So we use an illegal drug. How does it involve the human body? And what does it actually does to the human body? In order to know the hellish aspect of the drug abuse, let me invite in charge BMO SDS Tangdar, Dr. Bashir Ahmed. Please come to the stage and present your speech. सब चीज उसकी जन उसकी तो बचना चाहिए रेस्पेक्टेड जनाब एसडीएम साहब। तो ये खुशाइन बात है कि यहाँ पे आज लेक्चर डिलीवर करने का मौका मिला है। अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं इकबाल के एक शेर से आगाज करूंगा। कहते हैं सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हम किसी को कोई मेडिसिन देते हैं वो एज ए ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, बट वो उसको कंटिन्यू करता है, एज ए कंटिन्यू हैबिचुअल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज दैट डजंट मीन हाली मेडिसिन के बारे में बोलेंगे ड्रग एब्यूज होता है, नहीं। ड्रग एब्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं। इफ यू टेकिंग लॉट ऑफ फूड्स दैट इज ऑल्सो एक्ट एज ए ड्रग एब्यूज। इफ लार्ज एंड स्मोकिंग सम ड्रग्स एंड अल्कोहल्स हीरोइंस ये तमाम चीजें जो होती हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ये सोली इफेक्ट करता है आपके दिमाग के जो मूड चेंज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मूड चेंज, आपको स्विंग मूड होते हैं, कभी खुश लगता है कभी वो मायूस हो जाता है। एक्चुअली इफ वी वांट टू एंड दिस मेनेस ऑफ ड्रग अब्यूज सीरियसली देन वी हैव टू बी वेरी मच सीरियस। इफ बॉलीवुड प्ले सॉन्ग्स लाइक मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम बुलाने को, देन डेफिनेटली वी थिंक कि शायद ये गम बुलाने को एक ही जरिया है वो पीना है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। आवर कश्मीरी पोएट रहमान राही सेज जिंद रोजन बापत छ मरन लह लुख च मरख ना, जिंद रोजन बापत छ मरन लुख च मरख ना, लत पठ चखा प्याल उफ ते करख ना। मनशात एक ऐसा मौजी मर्ज है जिसने लाते दाद खानदानों की जिंदगियां तबाह व बर्बाद कर दी है। मनशात के कारोबार व वर्ज में मुबतला होना ना इंसान की अपनी जिंदगी बल्कि उससे वाबस्ता खानदान और जीत का भी जीना अजरन हो जाता है। मैंने बहुत करीब से मनशा की आदत में मुबतला नौजवानों को देखा है, वाकई वो मनाजर देख कर मनशा फरोशी के लिए दिल से बददुआएं निकलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड स्पेशल थैंक्स टू एस्टीमेड टाइम। नाउ प्लीज सर कम टू द स्टेज फॉर योर। एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब को, इनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जो ये नशा मुक्त भारत प्रोग्राम चल रहा था। तो हम चाहेंगे आगे भी SHO साहब या BMO साहब के ऑफिस से यहाँ पर रेगुलर सेशंस होंगे काउंसलिंग के, और ये नंबरात जो हमने दिए हैं इनको सब नोट करें। जब भी कहीं आपको लगे कि कहीं आपको ऐसा कोई नोट्स हो रहा है तो इन नंबरात पे कॉल करें, ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। और भी नंबरात हमारे हैं या हमारे ऑफिस के हैं, इसमें हमने एक चीज़ रखी है कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी के साथ ये शेयर नहीं किया जाएगा कि हमें किसने रिपोर्ट किया है। बकौले अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हया नहीं है ज़माने की आँख में, बाकी खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। पहले थीम की बात करूँ तो थीम जो है ये पूरे J&K में, मुझे लगता है पूरी कंट्री में नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है जो सितंबर के महीने में चला, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर जगह हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हर डिपार्टमेंट में ये नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये चल रहा है। ये असल में नशे की लत जो पड़ चुकी है और जो आजकल की एक बिदत बनी हुई है ड्रग ट्रैफिकिंग की और ड्रग एब्यूज़ की, तो इससे छुटकारा पाने के लिए नौजवानों में अवेयरनेस करने के लिए ये प्रोग्राम जो हैं बड़े मुफीद हैं। तो इसी सिलसिले में हमने पहले भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स किए हुए हैं कॉलेज में इस महीने में ड्रग एब्यूज़ के बारे में, जो हम स्टूडेंट लेवल पे चाहे वो रैलीज हों या फिर कुछ प्लेज लेनी हो वो हों या फिर कोई सेमिनार या पेंटिंग कंपटीशन। तो उसके अलावा आज हमने एक लार्ज स्केल पे एक सेमिनार रखा हुआ था, डेढ़ लाख सेमिनार, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी और इन्वाइटेड स्पीकर्स को भी इन्वाइट किया हुआ था।
सर, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि करना एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जीएम लुन साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, एक सेमिनार रखा डिबेट जो कि था ड्रग अब्यूज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं, जो वो है आजकल का दौर में जो मतलब माना जाता है वो ड्रग्स है। और सर इसी के अवेयरनेस के लिए जो आज प्रोग्राम रखा गया ये बहुत ही अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि हर एक जो पॉइंट सब ने बताया, अजीम सर थे जी। सर आज का जो प्रोग्राम था हमारे जीडीसी टंगड़ार करना में वो था ड्रग अब्यूज़र्स, यानी कि ये जो ड्रग्स हैं इसके इनके असरात जो आजकल हमारी सोसाइटी पर हो रहे हैं उसको उनको उनको उजागर करने के लिए कि इसके क्या क्या असरात हैं उनको उनको उजागर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे कॉलेज ने जीएम लोन साहब की सरबराही में, और हमारे यहाँ पर बहुत करना की आला आला शख्सियात ने हिस्सा लिया था, रिलीजियस स्कॉलर्स थे और सोशल एक्टिविस्ट से उन सब ने हमें जो बातें बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह ये जो ड्रग्स है इस लत में पढ़ के इंसान अपनी अक्ल ख्वास खो बैठता है और जो उसके मकसद होते हैं, जो उसकी मंजिलें होती हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाता। हम चाहेंगे कि जैसा प्रोग्राम आज मुनक्कद किया गया ऐसे और बहुत सारे प्रोग्राम किए जाएं ताकि हम नौजवान नस्ल है उसमें बेदारी पैदा हो सके, हम ड्रग्स से बच सकें, हम उससे। आज हमारे इस टंगदार के अंदर एक प्रोग्राम था, सेमिनार था ड्रग एडिक्शन के बारे में, तो हमें चाहिए कि ऐसे और भी काफ़ी ज़्यादा हमें इनकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ड्रग्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं यूथ को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस कौम पर भी हालात आए हैं उन्होंने, जैसे कि बी आर अम्बेडकर की बात करें, उन्होंने अपनी कौम को इल्म दिया था, एजुकेशन दी थी, और वो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने पूरी कंट्री पे राज किया। आज हमारी कौम पर भी कुछ ऐसे ही हालात आए हैं, ये तो उससे कहीं छोटे हालात हैं। जब हम ही अपनी कौम को एजुकेशन देंगे, तालीम देंगे, इल्म देंगे, तो हमारी कौम में भी इंशाल्लाह ऐसे रोशन चिराग जागेंगे तो जिसकी वजह से ये जो अंधेरा है ये ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे हमें चाहिए कि हर घर में अवेयरनेस हो ड्रग्स के डिसएडवांटेजेस क्या हों और इसके नुकसान क्या हैं, ऐसी कई ख़तरनाक बीमारियां हैं जिनके आपने आई थिंक नाम भी ना सुना होगा, तो हमें चाहिए कि हर एक को के डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो पता होने चाहिए, और यूथ को एक्सपोजर मिलना चाहिए लाइफ का एक्सपोजर क्या है। हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी लैक ऑफ टेक्नो अगर हम करना की बात